Hi. So let's start with lesson number three of IELTS vocabulary for writing, speaking, and for normal English vocabulary. Thank you for your great response for lesson one and lesson two. And it is, I'm telling you, the best way to learn vocabulary because I'm giving you examples how to use it through a paragraph. So today's vocabulary is based on crime topics. So you'll get some good vocabulary related to crime. Let's start. There is a paragraph in front of you. क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आर इंक्रीजिंग एट अ फास्ट रेट तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की जगह आप लिख सकते हैं एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या आप लिख सकते हैं ऑफेंसेस आर इंक्रीजिंग एट अ फास्ट रेट फास्ट रेट के लिए आप लिख सकते हैं फास्ट पेस मैनी पीपल बिलीव दैट सो बिलीव के लिए आप लिख सकते हैं मैनी पीपल ओपाइन दैट गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट लॉज गवर्नमेंट के लिए आप अथॉरिटीज़ यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिक्ट लॉज के लिए आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिंजेंट और लॉज के लिए आप यूज कर सकते हैं लेजिस्लेशन अगेंस्ट द क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स के लिए आप यूज कर सकते हैं अगेंस्ट द कल्प्रेट्स मैनी फेवर डेथ पेनल्टी फॉर सीरियस क्राइम तो डेथ पेनल्टी मतलब फांसी की सजा उसके लिए आप कह सकते हैं कैपिटल पनिशमेंट सीरियस क्राइम के लिए आप कह सकते हैं हेनस क्राइम्स इट इज सीन दैट मेनी क्रिमिनल्स कमिट क्राइम अगेन आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम जेल तो फिर से क्राइम करना उसे कहते हैं री ऑफेंड तो हम देखेंगे इट इज सीन दैट मेनी क्रिमिनल री ऑफेंड आफ्टर कमिंग आउट के लिए आफ्टर सेटिंग फ्री फ्रॉम द प्रिजन सो दे शुड बी गिवन स्किल इंप्रूवमेंट ट्रेनिंग आजकल आपको पता होगा कि जेल्स में भी कारपेंट्री स्यूइंग वीविंग ये सब सिखाया जा रहा है तो इसको क्या बोल जाता है इसको बोला जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग वोकेशनल कोर्सेज तो हम यह बोलेंगे दे शुड बी गिवन स्किल इंप्रूवमेंट ट्रेनिंग वहाँ हम लिखेंगे वोकेशनल ट्रेनिंग टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट आई ऑल्सो अग्री विद द गिव इन व्यू मैं भी इस बात से अग्री करती हूँ तो अग्री के लिए यू कैन यूज़ अकॉर्ड एंड व्यू के लिए आप यूज़ कर सकते हैं नोशन डेलिबरेटली है वर्ड्स फ्राम लेसन वन एंड लेसन टू ताकि एक बार रिविजन हो जाए सो लेट मी टेल यू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे अगर आप सभी लेसन्स को फॉलो करते हैं तो यू अगोइंग टू रॉकेट थैंक यू एंड हैव अस डे सोन वेलकम विद लेसन नंबर फोर